जिम जो कि बहुत ही आज से कम 30-40 साल पुराना जिम है और तब तक अभी तक वो जिम चल रहा है भाई उसी सामान के साथ उसी लोहे के साथ। इसमें ज्यादा हाईफाई नहीं है, कोई मशीन नहीं है भाई। और इसमें ऐसा नहीं है कि बिगिनर ही आते हैं, जिसको नहीं आता है वही आते हैं भाई। हैवी हैवी लिफ्टर सब, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर सब यहाँ से निकले हैं भाई। और इसलिए मैं आप लोगों को जिम इसलिए दिखा रहा था भाई, पैसा मैटर नहीं करता है। उसको जिम ये कम से कम 40 साल पुराना जिम है भाई और उसी तरह चल रहा है भाई, कोई उसमें मशीन नहीं आया है। बेसिक सिर्फ मशीन है तो आप ये वी लैग पुल डाउन, सिर्फ ये मशीन है आपका लेफ्ट लेग पुल डाउन बैक के लिए। बाकी सारा डंबल वगैरह डंबल भी दिखाता हूँ मैं, अलग तरीके का डंबल है भाई इस जिम में। देखो इस तरह का डंबल है भाई, इस तरह का डंबल है, आप लोग पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही पुराना लोहा है भाई, बहुत ही पुराने टाइम का है। वर्कआउट करोगे तो आपको पूरा फील होगा भाई, पूरा अच्छे से आपको वर्कआउट करने में मजा आएगा ठीक है। और डंबल से आपको कोई फाइबर वाला कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, सिर्फ ओल्ड स्कूल वाला प्योर लोहा मिलेगा भाई आपको। और सब वजनदार मिलेगा, जो आपको हैवी लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग करोगे तो आप हैवी लिफ्ट में जाते हो तो आपको डंबल ऐसा ऐसा डंबल है कि मैं उठा नहीं पाओगे आप ठीक है। इसका खास दिखाता हूँ मैं, चेस्ट प्रेस अगर आप लगाते हो तो दिखाता हूँ मैं। इसके लिए ग्रिप देख सकते हो दिया हुआ भाई, इस तरह का चेस्ट प्रेस लगाते हो तो इस तरह का आपको दो स्टैंड मिलेगा। अगर आपने इस ग्रिप से हटके कहीं रखा तो आपको इंजरी हो जाएगा, प्लेट वगैरह गिर जाएगा ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका ये स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, आपको ये स्ट्रेंथ भी होना चाहिए कि आप उस ग्रिप में ही अपने ओलंपिक बारबेल रॉड या बारबेल रॉड को उसमें सेट करो। बहुत ही तगड़ा है भाई जिम, मैं जो कर मैं स्टार्टिंग में इसी जिम से स्टार्ट किया था भाई और जो बनना स्टार्ट हुआ भाई इसी जिम से हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो भाई देखते हैं चेस्ट लगा के चेस्ट प्रेस लगा के होता है कि नहीं, कितना फील महसूस आपको बाइसेप्स के लिए है भाई। और ये परमानेंट अटैच है, इसमें आप फिक्स नहीं कर सकते हो, कोई अलग अलग ग्रिप अटैच नहीं कर सकते हो। और आवाज सुनो भाई, इस एक्सरसाइज का अगर करोगे तो आवाज सुनो भाई, खतरनाक आवाज आएगा। भाई देखा आप लोगों ने कितना खतरनाक पंप, तो भाई बहुत तगड़ा होगा अगर आप इस जिम में आते हो, पंप तो बहुत तगड़ा होगा भाई। ओल्ड स्कूल जिम कहीं भी आप जाते हो, यहाँ पे छोटा छोटा बेंच मिलेगा आपको इस टाइप का। और भाई आप लोग बोल रहे हो चप्पल जूता कैसे पहने हुए, भाई जिम का नियम है चप्पल जूता पहन के अंदर नहीं आना है ठीक है। ये छोटा सा बेंच है भाई और ये आपको मिलेगा, इस पर आप वर्कआउट कर सकते हो। बाकी का वही मैं तो बोलूंगा भाई ओल्ड स्कूल जिम जितना भी है, आप जिस पे जिम में जाओगे भाई मजा आता है उसमें ओल्ड स्कूल जिम में, खासकर क्योंकि उसमें आप देखोगे 5 kg का प्लेट, मैं दिखाता हूँ किस तरह का होता है। यहाँ पे ये होता है आपका 5 kg का प्लेट ठीक है, दिखने में कितना छोटा लग रहा है लेकिन भाई प्योर आयरन जो कहते हैं प्योर लोहा है ये। और आप अगर कोई हाई फाई जिम में जाते हो वहाँ पे फाइबर वाला कितना बड़ा प्लेट रहता है सिर्फ 5 kg का है ठीक है, तो सब सीन नहीं है, आपको दिखने में लगेगा एकदम लाइट वेट है लेकिन मारोगे तो पता चलेगा क्या खतरनाक सीन खतरनाक वेट है। तो ये था भाई ओल्ड स्कूल जिम, आप लोग इधर भी हैं तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो जिम अफोर्ड कर सकते हो वही जिम जाओ। जिम में जिम का ज़्यादा हाई फाई जिम जाओगे तो सिर्फ आपको उसका जो इंटीरियर है वो अच्छा लगेगा, बाकी उसके जो अंदर का जो मटेरियल है मेन आपका होता है लोहा आयरन, आपको आपका काम आपको काम सिर्फ लोहा ही देगा भाई ठीक है। तो इसी से वर्कआउट करो, जितना भी डंबल रॉड व्हील एंड पुल डाउन मशीन है आपके पास अगर उस जिम में तो बेस्ट है, आप अपना उसी वेरिएशन ऐड करके और अपने मसल को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हो भाई। इस जिम का इस जिम में बहुत सारे भाई बॉडी बिल्डिंग कम्पटिशन है, बहुत सारे बंदे जीते हैं भाई इस जिम में ठीक है, और सभी बंदे यहाँ पे करते हैं। ये पुलअप्स के लिए देखो इस तरह का रोड लगा हुआ है भाई, सिंपल सा रोड दीवार में जो हम लोग घर पे जनरली लगाते हैं उस तरीके का। देखा आप लोगों ने ओल्ड स्कूल जिम, इसमें आपको मिलेगा सिर्फ आपका
सिंपल सिंपल चीज और सिंपल इक्विपमेंट, जिससे कि बहुत 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 तगड़े बंदे हुए हैं यहाँ से भाई, बहुत तगड़े तगड़े बिल्डर बॉडी बिल्डर सब भी यहाँ पे भाई आए हैं, बने हैं इसके इस जिम में कर करके, और अभी भी बहुत सारे बंदे करते हैं भाई, बहुत सारे बंदे अभी भी वर्कआउट करते हैं यहीं पे आके, मिडिल एज वाले भी करते हैं और तगड़ा फिजिक बनाते हैं, कोई हाई फाई जिम अभी भी नहीं आते। इस जिम में अभी भी 200 से 250 भाई बैच चलता है, 200-250 स्टूडेंट का, बहुत ही तगड़ा भाई जिम है। और भाई इस जिम में मैं आऊंगा, अभी नेक्स्ट डे आऊंगा, एक दो दिन में आऊंगा मैं यहाँ पे और पूरा प्रॉपर वर्कआउट करके देखूंगा, अपना पूरा वर्कआउट डे निकालूंगा इसमें, फिर देखूंगा किस तरह का रिजल्ट आता है, नहीं आता है क्या कुछ। बहुत सारे बोले जाते हैं यहाँ पे कि बहुत तगड़ा पंप मिलता है यहाँ पे, बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलता है, तो मैं आऊंगा भाई देखूंगा और आप लोगों से बताऊंगा किस तरह एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। वो भी आने वाले वीडियो में डालूंगा कि एक दिन पूरा प्रॉपर वर्कआउट मैं इस जिम में करूंगा, वो सारा कुछ आप लोगों से भी। तो चलो भाई चलते हैं, अभी हो गया जिम का सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया, अभी लगाते हैं लॉक, चलते हैं फिर घर पे चल के घर पे। तो आ गया भाई घर पे, अभी चलते हैं कुछ खाने वाने का जुगाड़ हो गया भाई, बहुत थोड़ा बहुत वर्कआउट हो ही गया है भाई, चलो तो करते हैं भाई पोस्ट वर्कआउट का टाइम भी हो गया, तो अभी सेकेंड मील जो मेरा होता है भाई, मेरा ये मान के चलो पर डे का ही होता है, सेकेंड मील हमारा होता है भाई जो कि मैं लेता हूँ, जिसमें 6 एग वाइट का ऑमलेट टाइप बना रहता है भाई, और 2 स्कूप हमारा होगा इसमें पीनट बटर, ठीक है। तो चलो भाई लेते हैं मील, उसके बाद आगे चल के बात करते हैं। बेस्ट है अगर आपने वेट गेन करना है तो पीनट बटर ऐड करो ही भाई, सस्ता और इफेक्टिव चीज है, ठीक है। तो पीनट बटर भाई मैं कम से कम महीने में 5 से 7 डब्बा मेरा खत्म हो जाता है भाई, बहुत खाता हूँ भाई पीनट बटर, क्योंकि अपना सस्ता भी है और बेस्ट चीज़ है। तो आप वेट गेनिंग के लिए अगर आप करते हो तो वर्कआउट से पहले भी 2 स्कूप मार लो, 2 चम्मच खा लो और वर्कआउट के बाद भी, और अपना जो आपका मील रहता है उसमें भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि इसमें कार्ब्स होता है भाई, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, इसका प्राइस होता है 150 रुपया, ठीक है, 150 रुपये के आसपास मिल जाता है। हो गया मेरा डाइट आज के वीडियो के लिए भाई, काफ़ी हो गया, आप लोगों को नया जिम भी, एक ओल्ड स्कूल जिम भी दिखा दिया और वर्कआउट भी थोड़ा बहुत हो गया और आप लोग पोस्ट वर्कआउट मील भी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे टॉपिक सब के लिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, वर्कआउट करते रहो भाई और मेरे से अच्छा बॉडी बना, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, ठीक है भाई लोग।